हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, 74 पोस्ट है, ऑल इंडिया जॉब है, पे स्केल ऑफर हो रही है सभी पोस्ट के लिए, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल। तो पूरी डिटेल कवर करें इसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम पोस्ट के नाम जान लें, पोस्ट नेम क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट, सैलरी और बाकी की डिटेल्स भी कवर करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम्स जाने। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी है, जूनियर परचेज असिस्टेंट स्टेनोग्राफर / जूनियर स्टोर कीपर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। तो ये चार पोस्ट हैं जिनमें टोटल मिलाकर 74 पोस्ट है। ये वैकेंसीज आपकी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स की तरफ से है। मुंबई लोकेशन के लिए है और ऑल इंडिया जॉब है ये। यहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ ओपन करती हूँ। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन मुंबई एंड रीजनल यूनिट्स ऑफ डीपीएस ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया के सभी जगहों पर आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है कहीं पर भी। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है और इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, 63 पोस्ट है जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर के लिए, जहां पर ग्रेजुएट इन साइंस या ग्रेजुएट इन कॉमर्स या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी में भी, इन सब में से किसी में भी 60% मार्क्स है विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट, 18 मिनिमम एज एंड 27 मैक्सिमम एज, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है कैटेगरीज के लिए, वो पीडीएफ में दी हुई है। तो एज रिलैक्सेशन है जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ओपन कैटेगरी के लिए 27 इयर्स। यहाँ पर जो सैलरी है वो 25,500 की पे स्केल है। पे स्केल पे अलाउंसेस मिलेंगे, मिनिमम सैलरी 36,000-35,000 के ऊपर बनेगी। सिलेक्शन होने वाली है 11-1 में ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट के थ्रू। दूसरा पोस्ट है अपर डिविजन क्लर्क। यहाँ पे पांच पोस्ट है, पांच पोस्ट में आपके पास कोई भी डिग्री है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से है 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर कोई भी टाइपिंग की आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आनी चाहिए आपको अगर डिजायरेबल में है, अगर मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है। टाइपिंग इन इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज, यहाँ पर भी सैलरी पे स्केल 25,500 है प्लस अलाउंसेस, तो सैलरी वैसी अच्छी बनेगी। लेवल 1 टेस्ट होगी, लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी। चलिए नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, जहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। यहाँ पर मैट्रिक या इक्विवेलेंट में 50% मार्क्स है, मीन्स इससे ऊपर वाली डिग्री है आपके पास, 12th है, ग्रेजुएशन है, कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, बट 10 पास होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और अगर आपको स्टेनोग्राफी इंग्लिश की आती है और टाइपिंग स्पीड है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ भी पे स्केल सेम है और इसके लिए पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और फिर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगी, यहाँ पर स्किल टेस्ट होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे इसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, 2 ही पोस्ट है पर सैलरी वाइज ही अच्छी है। यहाँ पर मैट्रिक होनी चाहिए, परसेंटेज का कोई इश्यू नहीं है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए कोई भी परसेंटेज है 10th में आप एलिजिबल है, आप पास होनी चाहिए केवल 10th। और यहाँ पर आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, स्पीड इतनी जितनी लिखी है यहाँ पर, और इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। एज लिमिट भी सेम है बट रिलैक्सेशन है सभी अलग अलग कैटेगरीज के लिए, सभी पोस्ट के लिए। सैलरी यहाँ पे 35,400 की पे स्केल है जिस पर आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो 45,000 एंड अबव सैलरी बनने वाली है। अब बाकी बात करते कि इसकी लास्ट डेट क्या है और मेन वेबसाइट कहाँ पर है जहाँ ये नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होगी। देखिए ये एडवर्टीजमेंट पीडीएफ आपको इस तरीके से ब्लैंक पेज नजर आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है और ये यहाँ पर आपको पीडीएफ नजर आएगी। इसको ओपन करें, आप अच्छी तरीके से पढ़ें, डिटेल समझ लें। एप्लीकेशन फी मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट बहुत ही क्लोज है, 27 दिसंबर 2020 को लास्ट डेट है इसकी, तो बहुत ही क्लोज है। 28 नवम्बर 2020 को ये ओपन हो गई थी एप्लीकेशन। 27 दिसंबर 2020 रात 12 बजे तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फी है वो भी हम चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले एससी एसटी विमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, मींस फ्री आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कौन कौन? एससी एसटी विमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए देर इज नो एप्लीकेशन फी। बाकी कैटेगरीज के लिए ओपन कैटेगरी एंड बाकी के जो रिमेनिंग कैटेगरीज है उनके लिए ₹100 एप्लीकेशन फी है। तो आपको इसकी वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप पहले एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से पढ़ लें क्योंकि एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन के लिए भी सेंटर काफी जगह पे अलग अलग लोकेशन पर एग्जाम सेंटर दिए जाएंगे, तो वो आपको चेक करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। टेस्ट सेंटर्स जो है ये मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद सेंटर्स पर मोस्टली रहने वाले हैं। तो आप देख लें आपके लिए कोई कंफर्टेबल लोकेशन हो एग्जाम के लिए, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।